हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको स्टॉक की स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखिए, ये मैंने एक टॉप का वीडियो बनाया था। अगर आपने ये टॉप नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। तो मुझे इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसकी स्लीव्स बनाना सिखाऊं, तो ये मैंने आज इसकी स्लीव्स बनाना ही सिखाऊंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी यहाँ पर स्लीव्स है। तो हम देखिए धागा यहाँ बीच में से लगाएंगे। तो जब आप टॉप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। जो आप टॉप बना लेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ हम बीच से स्टिच, ये बीच वाले यहाँ से धागा लगाएंगे। यहाँ पे अच्छे से गांठ बना लेंगे इसकी। देखिए यहाँ पे अब हम चैन वन बनाएंगे बस। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ के जो स्टिच हैं इनको हमें एक करना है। यहाँ से दो स्टिच कम करेंगे, एक स्टिच देखिए हम यहाँ लेंगे, यहाँ से ये देखिए हमने ये तीन लिए, इसका हम इस तरीके से एक कर देंगे। फिर एक स्टिच हम यहाँ से लेंगे, ये हमारे पास चार हो गए, चार के हम तीन करेंगे ये देखिए, और अब इसका एक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसमें जो पैटर्न है ये वाला यहाँ रिपीट करेंगे, क्योंकि हम इसी पैटर्न की स्लीव्स बनाएंगे। आप चाहें तो दूसरे पैटर्न की स्लीव्स भी बना सकते हैं, कोई भी सिंपल, या आप सिंपल स्लीव्स भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम चैन वन बनाएंगे और यहाँ देखिए इस वाले स्पेस में ये वाला है जो, इसमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया। कि जैसा पैटर्न हमने यहाँ बनाया है सेम वैसा ही बनाएंगे, बस थोड़ा सा हमें स्टिच कम करने होंगे। तो हम अभी स्टिच कम नहीं करेंगे, यहाँ पे तो हम सेम ही तरीके से बनाएंगे। ये देखिए चैन वन, यहाँ पे भी हमने वैसे स्टिच कम कर दिए हैं, यहाँ पे साइड में चैन वन बनाएंगे और इस तरीके से हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर हमें बनाना नहीं है ये बीच वाले स्पेस में, ये देखिए ये दो पेटल हैं इनके बीच में नहीं बनाना है। तो ये यहाँ पे हमने चैन वन का स्पेस भी नहीं दिया था। तो देखिए चैन वन बनाएंगे और यहाँ पे एक वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम इसको पूरा राउंड इस तरफ आ जाएंगे। तो पहले मैं बना के इस तरफ आ जाती हूँ, यहाँ भी हमें दो स्टिच कम करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया, ये हमारा पूरा ये वाला ये हो गया है। ये देखिए अब यहाँ पर ये हमारे जो दो स्टिच हैं ये वन और यहाँ से एक लेंगे। अगर आपकी थ्री आ रहे हैं तो थ्री ले लीजिए आप, मेरे दो आ रहे हैं, एक देखिए यहाँ से हम ये वन और एक ये यहाँ पे जो, और इसको हम एक कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम ये जो हमने चैन वन बनाई थी स्टार्टिंग में, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो देखिए हमने इस रो में भी स्टिच कम ही किए हैं, क्योंकि हम जब यहाँ बना रहे थे बॉडी पार्ट में तो हम चैन टू का स्पेस दे रहे थे, और यहाँ पे हमने चैन वन का स्पेस दे दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टिच बढ़ाने नहीं हैं, इक्वल चाहिए स्टार्ट से लेके एंड तक के। तो यहाँ पे हमें स्टिच बढ़ाने थे, इसलिए हमने यहाँ पर चैन टू का स्पेस दे रहे थे यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है, चैन थ्री बनाएंगे अब, वन टू थ्री। और देखिए यहाँ पे हमने बनाए, यहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट वाला स्टिच है ये देखिए, यहाँ वन एक हम इसमें बनाएंगे स्टिच, फिर एक इस स्टिच पे स्टिच बनाएंगे ये देखिए,
स्टिच पे स्टिच बनाएंगे, चैन वन की स्पेस में एक स्टिच बनाएंगे, स्टिच पे स्टिच बनाएंगे, चैन वन की स्पेस में एक स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से इस रो को मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ तक बना लिया, यहाँ पे हम एक वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो हमने चैन थ्री बनाई थी, तो थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इसको। अब चैन टू बनाएंगे, वन टू, और यहीं पे देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया यहीं पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब बनाएंगे हम चैन थ्री, वन टू थ्री, और यहाँ से फोर स्टिच छोड़ेंगे, वन टू थ्री, सॉरी थ्री छोड़ेंगे, वन टू थ्री, और फोर्थ वाला है उसमें दो सिंगल स्टिच बनाएंगे। वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं हम, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और यहाँ से वन टू थ्री, फोर वाले में सिंगल स्टिच अटैच कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें ये बनाना है लास्ट तक। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे टू के मल्टीप्लाई ये होने चाहिए पैटर्न, ये जो हम चैन थ्री की स्पेस हो रहे हैं बना रहे हैं वो टू के मल्टीपल होने चाहिए, तभी हमारा पैटर्न वापस से बनेगा। तो अगर आपके स्टिच कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए कहीं भी, तो आपके दो, आपका दो का सेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर हम अगली रो बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे हमारे थ्री की जगह फोर बच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और यहाँ से फोर स्टिच छोड़ देंगे। अगर आपके नहीं आ रहे हैं, खिंच रहा है, तो आप फोर चैन्स बना लीजिए। देखिए मैं फोर चैन्स बना लेती हूँ, और यहाँ पे हम इसको जो चैन टू बनाई थी यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे 12 स्पेस आ रहे हैं ये चैन थ्री वाले। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपके एक स्लीव्स में अगर 12 आ रहे हैं तो दूसरे स्लीव में ही आपको 12 ही बनाने हैं, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो स्लीव्स का जो साइज़ है वो ऊपर नीचे हो जाए। अब देखिए एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फर्स्ट वाले चैन थ्री की स्पेस में आ जाएंगे, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, टू डबल क्रोशिया और बनाएंगे, वन और ये टू, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और यहाँ पे सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे सेकंड वाले चैन थ्री की स्पेस में, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और यहाँ पे वापस से अटैच करेंगे, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और इसमें थ्री सिंगल स्टिच बनाएंगे। बस यही पैटर्न हमें रिपीट करना है। फिर चैन थ्री बनाएंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे, ये वाला अगले में, फिर इसमें उससे अगले वाले में हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन थ्री का स्पेस हर बार देंगे। ठीक है, तो मैं इस रो को भी पूरा कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हमारे आना चाहिए। ये देखिए हमें चैन थ्री बनाए, सिंगल स्टिच, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और वापस इसी में अटैच करेंगे। यह पैटर्न हमारा ये वाला यहाँ आना चाहिए। अगर आपके थ्री डबल क्रोशिया आ रहे हैं तो आप वापस से एडजस्ट कर लीजिए, और एक स्टिच आप देखिए टू छोड़ के भी कर सकते हैं या एक बढ़ा के इसको बराबर कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे चैन थ्री में, ये स्टार्टिंग में चैन थ्री बनाई थी, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और इसी में एक स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया हम सेकेंड वाले स्टिच में बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे है, अब टू डबल क्रोशिया हम थर्ड वाले स्टिच में बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फाइव डबल क्रोशिया हो जाएंगे, वन और ये टू, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, ये हमने जो ये देखिए थ्री चैन बनाई थी यहाँ पे, इसमें हम सिंगल स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और यहाँ पे टू डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में, वन और ये टू, सेकंड वाले में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, और थर्ड वाले में वापस से टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन और ये टू। अब देखिए चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री,
यहाँ सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर यहाँ फाइव डबल क्रोशे बनाने हैं जैसे हमने यहाँ बनाए थे। इसको बना के मैं इस तरफ आ जाती हूँ वापस से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चैन थ्री बनाया, यहाँ पे हमने सिंगल स्टिच अटैच कर लिया, फिर चैन थ्री बनाएंगे 1 2 3 और देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच अटैच करेंगे 1 2 3 थर्ड वाली चैन। अब देखिए नेक्स्ट रो किस तरीके से बनानी है हमने। देखिए हमारी ये हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया था, लेकिन इसमें इसके बाद 1 2 3 और ये फोर्थ वाली रो है। अगर स्लीव से काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग से, ये फिफ्थ वाली रो 1 2 3 4 5 6 वाली रो है। चैन थ्री बनाएंगे 1 2 3, नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ जो बीच वाला स्टिच है हमारा, हमारे फाइव थे 1 2 3, तो इसमें देखिए चैन फाइव बनाएंगे 1 2 3 4 5 और वापस इसी में एक 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। और ये जो दो डबल क्रोशिया हैं इनमें हम दो में एक एक बना देंगे 1 और ये 2। फिर देखिए यहाँ आ जाएंगे, इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चैंस बनाएंगे 1 2 3 4 5 और वापस इसी में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये जो आगे के 2 डबल क्रोशिया हैं इनमें भी हम एक ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये 6 वाली रो पूरी करनी है। तो इसको मैं बना लेती हूँ लास्ट तक। तो ये देखिए 6 वाली रो भी हमने लास्ट तक बना ली है। अब यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच अटैच करेंगे थर्ड वाली चेन में, जैसा हर बार कर रहे हैं। ये जो मैंने टॉप बनाया है इसमें भी मैंने 144 चैंस ही लिए हैं और क्रोशिया इसमें मैंने 3 mm का लिया है और 3.50 mm का, और यार्न इसमें है मैंने 3 ply ही ली है, इसलिए इसका थोड़ा सा अंतर है। वो वाली ऊन जो मैंने पहले टॉप बनाया था उसमें थोड़ी मोटी ली थी। अब देखिए यहाँ पे चैन 1 बनाएंगे और यहीं भी एक सिंगल स्टिच बना देंगे। तो ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब हम वापस से आएंगे तो हमें अटैच करने के लिए स्पेस चाहिएगा। यहाँ पे अटैच करेंगे लास्ट में। अब देखिए बनाएंगे चैन 1 और ये जो 5 चैन बनाई हैं इसमें हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं चैन 1 का स्पेस देके। ये देखिए 1 चैन 1 बनाएंगे, 2 चैन 1 बनाएंगे, 3 चैन 1 बनाएंगे, 4 चैन 1 बनाएंगे, 5 चैन 1 बनाएंगे, 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और यहाँ देखिए ये जो दोनों पैटर्न हैं, ये दोनों हम पैटर्न हैं इसके बीच में यहाँ पे हम सिंगल स्टिच अटैच कर देंगे। चैन 1 बनाएंगे और फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने यहाँ बनाया था। लास्ट में चैन 1 बना के 6 डबल क्रोशिया चैन 1 बना के यहाँ पे सिंगल स्टिच अटैच कर देंगे। तो इस रो को भी मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए 7th वाली रो भी हमने लास्ट तक बना ली है। अब यहाँ पे हम चैन 1 बनाएंगे और देखिए स्टार्टिंग में हमने जो सिंगल स्टिच चैन 1 और सिंगल स्टिच बनाया था यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच अटैच कर देंगे। अब देखिए हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये जो फर्स्ट वाला 1 डबल क्रोशिया है यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए अब चैन 3 बनाएंगे चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और देखिए ये जो चैन 1 का स्पेस है यहाँ पे हम
पफ स्टिच बनाएंगे तो यहाँ पे हम दो ही बार धागा लपेटेंगे क्योंकि हमारे पास एक थी डबल एक वन डबल क्रोशिया है। तो देखिए ये हमने धागा लपेटा वन, ये वन और ये टू, और यहाँ पे इसको इस तरीके से हम बना देंगे। चैन वन का स्पेस देंगे, ध्यान रखेंगे, और ये जो सेकंड वाला स्पेस है इसमें भी हम अब पफ स्टिच बनाएंगे। अब हम थ्री बार धागा लेंगे, ये देखिए वन, फिर धागा हमने लपेटा टू, फिर धागा लपेटा थ्री, और देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको चैन वन बनाएंगे और फिर बनाएंगे वन टू थ्री। तो ये मैं इस बना लेती हूँ, फिर आपको सेकंड वाले में किस तरीके से बनाना है ये दो और बना लेती हूँ पहले मैं। तो ये देखिए हमने ये बना लिए हैं, तो ये हमारे हमने यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशिया बनाए थे, लेकिन ये जो पफ स्टिच है वो हमारे फाइव आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब देखिए यहाँ तक हमने बनाए हैं, और ये वाले स्पेस में, ये वाले स्पेस में नहीं बनाना है। और जब हम एक पैटर्न है जो दूसरे पैटर्न में जाएंगे तो यहाँ पे चैन वन का स्पेस नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे ये हम बनाएंगे वन टू थ्री, फिर चैन वन का स्पेस देंगे, तो ये जो फाइव बनेंगे इनमें चैन वन का स्पेस देंगे, और फिर हम यहाँ इस पैटर्न से जब इस पैटर्न में आएंगे तो चैन वन का स्पेस नहीं देंगे। तो इस रो को भी मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस रो को लास्ट तक बना लिया। अब यहाँ पे जो चैन थ्री है, यहाँ पे हम देखिए यहाँ तक चैन वन बनाया, अब यहाँ चैन वन नहीं बनाएंगे, थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच अटैच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चैन फोर बनाएंगे, वन टू थ्री फोर। तो देखिए हम वापस से उसी रो पे आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यही रो हमें बार बार रिपीट करनी है। तो बस जब यहाँ पे हम चैन टू का स्पेस दे रहे थे इन जगह पे, इस पे, लेकिन अब यहाँ पे हम चैन वन का ही स्पेस देंगे तो ये हमारे स्टिच बढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे, ठीक है। तो चैन थ्री हमारा वन डबल क्रोशिया और चैन वन हमारा चैन वन का स्पेस। ये देखिए यहाँ पे वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस पफ को छोड़ेंगे यहाँ पे चैन वन के स्पेस में, चैन वन बनाएंगे, यहाँ वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और फिर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने चैन वन का स्पेस नहीं दिया था, तो यहाँ पे हमें वन डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, चैन वन बनाएंगे और यहाँ पे वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस रो को मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर आपको एक किस तरीके से आगे आपको बताना है बनाना है ये भी बता दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पे हम चैन वन का स्पेस देंगे, चैन वन, और यहाँ पे थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच अटैच कर देंगे, ये देखिए। अब फिर हम ये वाली रो बनानी है। ये देखिए वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे चैन थ्री बनाएंगे, फिर चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया में वन डबल क्रोशिया, चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया, इस तरीके से सेम यही रो रिपीट करनी है। फिर आप जब अगली रो रिपीट करेंगे तो आप हर बार ध्यान रखिएगा कि आपके स्पेस 12 हैं, यहाँ पे आपने 12 लिए हैं तो यहाँ पे भी 12 होने चाहिए, थोड़ा कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर लीजिए। तो इसको लास्ट तक बना लूँगी मैं। मैंने इसमें 3/4 बनाई है और लास्ट में मैंने ये पैटर्न डाला है। तो पहले मैं ये स्लीव बना लेती हूँ, फिर आपको ये वाला पैटर्न और डालना बता दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए इसकी स्लीव मैंने पूरी कर ली है, मैंने 3/4 की बनाई है, आप लंबी चाहें तो लंबी बना सकते हैं, ठीक है। बस लास्ट रो बनाएंगे अब हम। देखिए चैन वन बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, देखिए एक सिंगल स्टिच और बनाएंगे, इसके जस्ट पास वाले स्टिच पे बनाना है, चैन थ्री बनाएंगे वन टू थ्री, और देखिए यहाँ पे हम जहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे, देखिए सही है। फिर दो सिंगल स्टिच बनाएंगे वन
और ये टू, और ये जो ये हमने सेकंड वाला बनाया है इस पे हम बनाएंगे चैन थ्री, वन टू थ्री, और जो लास्ट वाला स्टिच ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे हमारे दो स्टिच हमें दिखेंगे, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, फिर दो सिंगल स्टिच बनाएंगे वन और टू। इसी तरीके से ये लास्ट रो हम पूरी बना लेंगे, तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी बनकर कैसा लग रहा है। तो देखिए मैंने ये इसकी स्लीव पूरी कर ली है, और देखिए पूरा पैटर्न हमारा मैच हो रहा है, तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये भी ये पतली ऊन से बनाया है, जो मैंने पहले टॉप बनाया था वो थोड़ी ऊन मोटी थी, तो उसमें इतना अच्छे से इसकी फिनिशिंग दिख नहीं रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।